मोहन थाल बना के तैयार किया है। मैंने पीसेस काट लिए हैं। ये मोहन थाल भगवान का जब 56 भोग लगता है बनाया जाता है, तब उसमें जरूर ही बनाया जाता है, क्योंकि ये भगवान किशन कन्हैया को बहुत पसंद है। हर उत्सव में मोहन थाल बनाना जरूरी होता है। इसके बिना 56 भोग पूरा नहीं होता है, इसका बनाना बहुत ही जरूरी होता है। मम्मी, आज हम लोगों के लिए मिठाई में क्या बनाने जा रही हैं आप? मैं आज तुम सब लोगों के लिए बेसन का मोहन थाल बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 250 ग्राम के आसपास बेसन छान के लिया हुआ है और एक बड़ी चम्मच दूध लिया है, एक बड़ी चम्मच घी लिया हुआ है। इन दोनों को बेसन में डाल के धीरे धीरे मसलती हूँ, ये दानेदार जब तक हो ना जाए। अब मैंने इसमें एक चम्मच गरम करके घी डाल दिया है और एक चम्मच ही दूध डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह धीरे धीरे मिलाते हैं। आप जब भी मोहन थाल बनाएं, तब इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप जरूर फॉलो करें। देखो, अब मेरा बेसन दरदरा हो चुका है। अब मैं इसे चलनी की सहायता से छान लूंगी। अब मैं इसे चलनी की सहायता से छानती हूँ। अब मैंने ये अच्छी तरह से छान के तैयार कर लिया है। अब मैं गैस ऑन करती हूँ। मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें 100 ग्राम घी डालती हूँ। घी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें बेसन डालती हूँ। मैं मीडियम आंच पे इसे धीमे धीमे सेकती हूँ। मेरा बेसन अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें दानेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स करती जाती हूँ। अब मेरा बेसन तैयार हो चुका है। अब मैं इसे दूसरे बाउल में निकालती हूँ, फिर चाशनी बनाती हूँ। मैंने 200 ग्राम के करीब शक्कर ली है। अब मेरी चाशनी खोलने लगी है। मैं एक पिंच इसमें कलर फूड मिलाती हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आता है मोहन थाल का। ये भगवान के भोग के लिए जो 56 भोग बनता है,
उसमें जन्माष्टमी पे, दिवाली पे, कई अवसरों पे छप्पन भोग के साथ जरूर बनाया जाता है। अब मेरी चाशनी तैयार हो रही है। अब मैं इसमें आधी चम्मच इलायची पाउडर डालती हूँ। अब मेरी चाशनी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको गैस को बंद करती हूँ। फिर इसमें मावा मिलाती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करती जाती हूँ और मिक्स करती जाती हूँ। अब मैं इस ट्रे में थोड़ा सा घी डाल के लगा लेती हूँ। अब मैंने इस ट्रे पे अच्छी तरह से घी लगा लिया है। अब मैं इसमें मोहन थाल का बना हुआ मिक्सचर डालती हूँ। ये देखो, मैंने इसे हाथों की सहायता से अच्छी तरह से टिन में फैला दिया है। अब मैं इसे थोड़ी सी मेवा से गार्निश करती हूँ। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद पीसेस काटूंगी। दस मिनट मेरे हो चुके हैं। अब मैं इसे काटती हूँ। देखिए, मेरे पीस अच्छी तरह से कट हो रहे हैं। अब मैं इन्हें निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे कितने अच्छे पीस निकल के तैयार हुए हैं। इतना सॉफ्ट और नरम दानेदार बन के तैयार हुआ है। बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। मैं चखने से पहले इसे भगवान को भोग लगाती हूँ। मोहन थाल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आप भी अपने घर में मोहन थाल जरूर बनाएं। बड़ा ही स्वादिष्ट और मजेदार होता है। उम्मीद है आप लोगों को मोहन थाल की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्वेता पोरवाल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।